है ना। तो देखिए आप, इस चाइल्ड लेबर वर्क से डेंजरस और प्रिकारियस इंडस्ट्री खतरनाक उद्योगों में काम कर रहा है। कब से कब तक? सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क की एक फ्रेज है, मॉर्निंग टू इवनिंग। यदि आपके दिमाग में हो तो अभी निकाल देना कि ये फ्रेज होती ही नहीं है। मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे पास यूज ही नहीं है। मॉर्निंग टू इवनिंग इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ सुबह से शाम तक। डेंजरस प्रिकारियस का सिमिलर वर्ड है, जैसे बेंगल फैक्ट्री में काम करता है, ऑटो शॉप में काम करता है, प्रिकारियस है। ट्रेन की छत पे कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, प्रिकारियस है। कोई भी ऐसा काम जो आपका डेंजरस या रिस्की हो जाए, दैट इज प्रिकारियस। आगे आगे कह रहा है, वह शिक्षा पाने के लिए स्कूल नहीं जाता। दूसरी उसकी प्रॉब्लम, शिक्षा पाने के लिए स्कूल नहीं जाता। डज नॉट को बुलाओ, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट। सिंपल सा सेंटेंस है, डज नॉट के साथ वी वन आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, टू गेट, गेट भी यूज कर सकते हैं, टू के बाद वी वन आएगा। गार्नर भी यूज कर सकते हैं, गार्नर एजुकेशन। दूसरा आपने सेंटेंस फ्रेम किया कि ही डज नॉट गो टू स्कूल टू गेट और गार्नर एजुकेशन। राइटिंग सेक्शन जिसका शानदार होता है, उसके लिए दो ही चीजें, वोकैब और ग्रामर बराबर फॉलो होनी चाहिए। जिसको ये चीज आती है वो बेताज बादशाह इंग्लिश का। अभी छोटा प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर बड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे। ए चाइल्ड लेबरर वर्क्स इन डेंजरस और प्रिकारियस इंडस्ट्री फ्रॉम डॉन टू डस्क। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। डज नॉट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। गो टू स्कूल, वो स्कूल ही नहीं जाता है। क्या भाई, क्यों? टू गार्नर और गेट एजुकेशन, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। और आगे की कारी कहती है, वह फटे हुए कपड़े पहनता है और दो वक्त की रोटी के लिए तड़पता है। वह एक चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। ही, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ही वियर्स, वर्ब की पांचवी फॉर्म। ही वियर्स क्या पहनता है? फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लोथ्स। अपने आप ही आ जाएगा, लिखा हुआ कभी धोखा नहीं देता है। टॉर्न क्लोथ्स एंड, फटे हुए कपड़े पहनता है और क्या करता है? दो वक्त की रोटी के लिए तड़पता है। पहली वर्ब आ गई, दूसरा आ गया, दूसरी वर्ब आ गई पाइंस फोर। पाइंस के साथ फोर आएगा, वो तड़पता है। तड़पना, वियर पहनना, टॉर्न क्लोथ फटे हुए कपड़े। ही वियर टॉर्न क्लोथ, वर्ब की पांचवी फॉर्म है। आप रूम नंबर फर्स्ट में रोटेशन ले रहे हैं, यहीं पर हमारा रोटेशन चल रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ पर हैं हम। ही वियर्स टॉर्न क्लोथ्स। रैक्स को याद कर लो, टेटर्स को याद कर लो, जो कहानी साथ में चले उसको दिमाग में घुमा दो ऊपर। ही वियर्स टॉर्न क्लोथ्स एंड पाइंस फोर, काहे के लिए तड़पता है? दो वक्त की रोटी के लिए। फ्रेज को बुलाओ, टू एस्क्वायर मील ए डे। देखो क्या प्रेजेंटेशन चल रहा है, टू स्क्वायर मील अ डे। देखो फ्रेजल वर्ब और फ्रेज का साथ कनेक्शन चल रहा है। ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपकी फ्रेज है, साथ कनेक्शन ले रहा है। वर्ब यहाँ पर है नहीं, वर्ब के रूप में फ्रेजल वर्ब आ रही है। ही वी आर स्टॉन क्लोज, वो फटे हुए कपड़े पहनता है। एंड पाइंस फॉर टू स्क्वायर मील ए डे, दो वक्त की रोटी के लिए तड़पता है। दो वक्त पेट भर खाना भी नहीं मिलता बेचारे को। चाइल्ड लेबर की प्लाइट का एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर किस किस पोजीशन से गुजारे। छोटा सा बड़ा तो इसके ऐसे भी करेंगे। फिर उसका पिता अत्यधिक शराब पीता है, पिता को बुलाओ, उसके पिता को। हिज फादर, बुलाओ फ्रेज को। फ्रेज चाहिए मेरे को, वर्ड नहीं चाहिए। आपने बोल दिया ड्रिंक्स एक्सेसिव बूज, ये तो आपने ट्रांसलेशन कर दिया। ड्रिंक लाइक ए फिश, हिज फादर ड्रिंक्स लाइक ए फिश। ड्रिंक्स लाइक ए फिश, फिश हमारे बहुत काम आएगी। ड्रिंक्स लाइक ए फिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा शराब पीना। विरुद्ध फिल्म में जॉन अब्राहम कहता है अमिताभ बच्चन को, पापा टुडे आई विल ड्रिंक लाइक ए फिश। विरुद्ध फिल्म थी, कभी देखने का मौका मिले तो उसमें जॉन अब्राहम अमिताभ बच्चन को कहता है, उसका फादर वगैरह, टुडे फादर आई विल ड्रिंक लाइक ए फिश। बहुत फिल्म स्टार तो बहुत यूज करते हैं इसको, ड्रिंक लाइक ए फिश, बहुत ज्यादा शराब पीना, एक्सेसिव पीना। हाँ, इसको आप ट्रांसलेशन भी कर सकते थे कि हिज फादर ड्रिंक एक्सेसिव बूज, वो ट्रांसलेशन होता। लेकिन जहाँ फ्रेज की जरूरत है वहाँ फ्रेज, वर्ड की जरूरत है वहाँ वर्ड,
प्रॉबर्ब की जरूरत है, वहां प्रॉबर्ब, यही आपका प्रेजेंटेशन, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर क्या हुआ, और वह कोई काम नहीं करता, दूसरी प्रॉब्लम, एंड ही डज नॉट, फिर डज नॉट को बुला लो, ही डज नॉट एनी वर्क, एनी का हमारे ग्रामर में रोल आएगा, जब आपका वाक्य निगेटिव होगा तो एनी को यूज करेंगे हम, ग्रामर का पॉइंट है, जब भी आपका वाक्य निगेटिव होगा डज नॉट आएगा, और वो कुछ वर्क करता है ऐसा कहते तो सम आ जाता। ये सम और एनी की लड़ाई हम ग्रामर में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया है। ड्रिंक लाइक ए फिश को इंपॉर्टेंट करो, पाइन फोर, देखिए आपके 4 लाइनों में दो फ्रेजेज यूज किए मैंने, फ्रेजेस को यूज करने का तरीका होना चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। टू स्क्वायर मील ए डे, दो वक्त की रोटी, ड्रिंक लाइक ए फिश, ड्रिंक लाइक ए फिश, अत्यधिक शराब पीना, फ्रेजेस को यूज करने का आर्ट जिसको आता है ना, वो बहुत शानदार इंग्लिश का मालिक होता है। फिर उसका मालिक उसकी बुरी तरह पिटाई करता है, बुरी तरह पिटाई करता है जो उसका मालिक है चाइल्ड लेबर का, हिज ऑनर, ये हमारा वही प्रोसेस है जो अपनी मम्मी ने अपन को सिखाया था, और कुछ खास नहीं, आप सोचो कोई डरावना प्रोसेस है, सेम हमारी मदर ने हमको मदर टंग सिखाई थी ना, सेम वही प्रोसेस है। और वो प्रोसेस करने से पहले कोई किताब नहीं लाई थी वो, अब भी कोई किताब नहीं ला रही, जो दिमाग में आ रहा है वो बस वो अंग्रेजी है। हिज ऑनर क्या करता है, बुरी तरह पिटाई करता है, मैं चाहता हूँ फ्रेज को बुलाओ, जब किसी की बुरी तरह पिटाई होती है तो शरीर पर नीले और काले धब्बे हो जाते हैं, जिसको कहते हैं नील बन गई, बस वहीं से दो कलर को याद कर लो, पीट्स हिम, उसकी पिटाई करता है ना, कैसे, ब्लैक एंड ब्लू, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह पिटाई करना, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक और ब्लू काम में आएगा और कुछ नहीं, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, कलर हमारे फेस देंगे, जानवर हमारे फेस देंगे, कुत्ता बिल्ली कंगारू, हर में आपका फ्रेज है, हर जगह अंग्रेजी है, जहां जाओ वही अंग्रेजी है, बीट सिम ब्लैक एंड ब्लू, आपका बुरी तरह मारना, हिज ऑनर बीट सिम ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह मारना। अभी मैंने अपनी शर्ट को रोल कर रखा है, इसमें भी फ्रेज है, ये शर्ट को रोल कर रखा है, इसमें भी फ्रेज है, रोल अप स्लीव का मतलब होता है कमर कस के तैयार रहना, मोजे को ऊपर करोगे पुल अप सॉक्स, कमर कस के तैयार रहना, हर चीज में फ्रेज है, जहां से भी जाओ वहीं से अंग्रेजी उतार दो आप, इस पानी में फ्रेज है, होल्ड वाटर, अब इसमें अभी अंग्रेजी है, ये लिटिल वाटर है, इस समय क्या है, लिटिल वाटर, इतना होगा तो अ लिटिल, और इसको मैंने नीचे गिरा दिया तो ये हो गया द लिटिल, ये ग्रामर है। अब पानी से भी बहुत कुछ है, इस बोतल में, ढक्कन में, हर जगह फ्रेज ही फ्रेज, मतलब इंग्लिश है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अटैच करना है। तो देखिए उसका मालिक क्या करता है, उसकी बुरी तरह पिटाई करता है, खाल उदेड़ देता है, आप बोले सर हमको वर्ड याद नहीं आ रहा बुरी तरह मारने का, ये फ्रेज नहीं याद आ रही, तो फिर आप इसका वर्ड कहाँ पे ले सकते हैं, खाल उदेड़ने का वर्ड आएगा बॉल्स हिम, वर्ड को अंडरलाइन कर लो, इसके चारे वर्ड सारे वर्ड दे देता हूँ, बॉल्स यानी बुरी तरह पिटाई करना, फ्रेज है बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, वर्ड है बॉल्स हिम, बॉल यानी खाल उदेड़ना, बीट एक सिंपल सा वर्ड है, बीट आपके एक सिंपल सा वर्ड है, तो मालिक को आपने देखा होगा बहुत बुरी तरह मारता है, जरा सा उसका नुकसान हो गया, कांच का गिलास भी तोड़ दिया, उसकी खाल उदेड़ देगा एक चाइल्ड लेबर की, हम उसके प्लाइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ अच्छी वाकई आपके साथ, हिज ऑनर बीट सेम ब्लैक एंड ब्लू, या तो फ्रेज याद आ जाए तो फ्रेज, रिवर्ट तो आएगा ही आएगा, एपीओ में तो उसकी मर्जी चलेगी, वो ट्रांसलेशन कैसे करवाता है, तो वहां तो वही जो उसको चाहिए, आरजेएस में हमारी मर्जी चलेगी, हम देना क्या चाहते हैं, लेकिन देना तो पड़ेगा ना, आगे आओ, वह छोटी सी बात पर उसकी खाल उदेड़ देता है, फिर हिंदी का मुहावरा खाल उदेड़ना, अब अंग्रेजी में जा रही है, छोटी सी बात पर ही बॉल को यूज कर लिया, फ्रेज यूज कर ली, फिर एक और वर्ड लाओ, वलप्स, ही वलप्स हिम, छोटी सी बात पर खाल उदेड़ देता है, वलप, WALLOP, वलप, आपकी जिंदगी का वर्ड है, रोजमर्रा का वर्ड है, पर कभी जिंदगी में ध्यान नहीं दिया कि ये इंग्लिश में कोई रुतबा भी रखता है, वलप, WALLOP, कई बार हमारे गद्दों को आप धूप में सुखाते हो, धूप में सुखाने के बाद उनको ठोकते ना अपन सब, ताकि धूल निकल जाए, वही वलप है, वो गद्दों को ठोकना वलप कहलाता है, या पिंडारी को देख लो, पिंडारी को का वर्क देख लेना, जाते हुए आते हुए कोई भी आपके पिंडारी हो आसपास, पिंडारी मतलब वो बनाने वाली, वो अपने गद्दों को रुई को ठोकती है ताकि धूल डस्ट उसमें से
बाहर चली जाए। हम भी हमारे घर पे बहुत बार करते हैं, डस्टिंग करते हैं तो ठोकते रहे चीजों को, वो बल्ला पी तो है और है क्या, बुरी तरह पिटाई करना। अब इसके पांचों चारों वर्ड बता देता हूं मैं। ही वलप सेम, किस बात पर भाई, क्या कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने तेरा, क्या कर दिया, तेरा मोबाइल थोड़ी तोड़ दिया, क्या किया था मैंने, कांच का गिलास ही तो गिराया था, कांच का गिलास गिर गया ठीक है, 10-20 रुपए का, तेरा मोबाइल तो तोड़ा नहीं। ओवर, छोटी मोटी बात पर, ओवर पैटी इश्यूज, पैटी तो आपके आईपीसी में भी होगा, पैटी इश्यूज छोटी मोटी बात पर, तुच्छ बात पर, पैटी इश्यूज कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है यार, छोटी सी बात है, पैटी इश्यूज है, क्यों माथे फोड़ रहे हो। वलप, ही वलप सीम ओवर पैटी इश्यूज, छोटी सी बात पर वो उसको खाल उदेर देता है, बुरी तरह हड़ता, इतना मारता है कि बेचारे बच्चे के चेहरे पर आंख के नीचे रील हो जाती है। वलप बॉल, ये आपस में करेक्शन लेंगे, अभी इनको करेक्शन देते हैं। एक वलप यदि बुरी तरह पिटाई करना, बॉल यदि बुरी तरह पिटाई करना, फिर आगे स्कूल जाना उसके लिए दीवा स्वप्न के समान है। सेंटेंस बनाइए। स्कूल जाना उसके लिए दिन का सपना है, यार मैं भी कभी स्कूल जाता, उसके हाथ में क्यों तो भाई के पाना रहता है, उसके हाथ में तो बैंगल फैक्ट्री में उसका वो बैंगल का मैटर रहता है, उसके हाथ में तो बेल्डिंग रहती है, उसके हाथ में बेचारी कहाँ किताब है। स्कूल जाना उसके लिए एक दिन का सपना है, एक 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 डे ड्रीम है कि काश मैं भी कभी स्कूल जाता, कभी काश मैं भी स्कूल जाता। कहाँ से शुरू करोगे वाक्य, टेंस नहीं है, रोज बता रहा हूँ ये कहानी। स्कूल जाना, टू प्लस वी वन से शुरू करोगे, टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल, आज की बात है, ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं वो बाइक में ट्यूब डलवा रहा था, वो बच्चा होगा बड़ी मुश्किल से 12 साल का, और टायर खोल रहा था, मैंने उसको देखा यार इसको स्कूल, मैंने पूछा भी बेटा तू तो स्कूल नहीं जाता क्या, बोले नहीं मैं तो यही काम करता हूँ, 12 साल का बच्चा होगा टायर खोल रहा है, पता इतना भारी काम कर रहा है, जो 12 साल के बच्चे भी कितना दम होगा, टायर खोल रहा है, ट्यूब चढ़ा रहा है, जो भी वो कर रहा है, कहाँ उसके लिए तो दिन का सपना, आज ही की बात है अभी दोपहर की। टू गो टू स्कूल क्या है, उसके लिए दिन का सपना है कि मैं भी शायद स्कूल जाता, इस ए दिन के सपने को डे ड्रीम भी कह सकते हैं आप, डे ड्रीम है दिन का सपना, खुली आंखों का सपना, या इसको अच्छे शब्दों में कहते हैं अड़िया वर्ड है रेवरी, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये आरजेएस प्री में पूछ सकता है, ये आपके एपीओ के प्री में पूछ सकता है, ये देकर या तो ये पूछ सकता है या ये देकर ये पूछ सकता है, मतलब आपको जो तैयारी करनी है वो थरूली करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या सब्जेक्टिव, क्या ऐसे, क्या ट्रांसलेशन, क्या प्रेसी, क्या वर्बल इंग्लिश, यहाँ से आप स्पोकन इंग्लिश को भी शानदार तैयार कर सकते हो, आप एडवोकेट हैं और एडवोकेट की यदि इंग्लिश शानदार है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा और कहीं नहीं रुकेगा, बहुत शानदार पोजिशन पर पहुंचेगा, इसलिए लैंग्वेज को अपना गुलाम बना लो, और वो भी ऐसी लैंग्वेज का। टू गो टू स्कूल इज ए डे ड्रीम और एवरी, स्कूल जाना उसके लिए दिन का सपना है, इसके लिए उस बच्चे के लिए जिस जो वो कहानी शुरू की आपने, फॉर हिम, फॉर हिम, गलती से भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैसे इंप्रूव होगा लिखने से, आप सोचो किताबों से पढ़कर ऐसे लिखे आएंगे, लिखवा लो किसी से, लिखवा लो चैलेंज, मैं एक पेज में 15 की तो गलती निकाल सकता हूँ, 15 भी क्या, गलतियों से भरा हुआ पेज। टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना इज डे ड्रीम एंड एवरी फॉर हिम, उसके लिए दिन का सपना है, क्यों है दिन का सपना, समाज और कानून इसकी दुर्दशा को नजरअंदाज करता है, समाज और कानून, मैं भी आया देख लिया ठीक है, पूछ लिया मैं भी क्या कर सकता था, कानून कुछ नहीं करता है, सोसाइटी ने भी आंखें मूंद रखी है, सोसाइटी एंड लॉ, सोसाइटी एंड लॉ उसकी दुर्दशा को नजरअंदाज करता है, ये तो हमारी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है सोसाइटी एंड लॉ, इग्नोर भी यूज कर सकते हैं, अवॉइड भी यूज कर सकते हैं, अवॉइड ग्रामर में एक बहुत अच्छा रोल निभाएगा, जो आज नहीं बताऊंगा सीरीज बताऊंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी, आज रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अवॉइड हमें ग्रामर में मिलेगा और बहुत खतरनाक रूप में मिलेगा, बहुत शानदार इसकी ग्रामर है, नजरअंदाज करना, किसी को इग्नोर करना, देख के भी अनदेखा कर लेना, सोसाइटी एंड लॉ, इग्नोर और अवॉइड, क्या उसकी दुर्दशा को, उसकी के लिए हिज लगाइए, पोजिशन लगाइए, हिज दुर्दशा, बहुत दयनीय स्थिति, बहुत ही ऐसी स्थिति को देख के अपन को भी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा उस बच्चे से ये काम करवाना, लेकिन कुछ था ही नहीं दुकान पे, प्लाइट प्लाइट है दुर्दशा।
डे ड्रीम रेवरी का सिमिलर वर्ड है, एक डरावनी सपने के अलग वर्ड आएंगे। कई बार सोते सोते डरावना सपना आ जाता है ना, तो आप ऐसे नहीं उसको क्या बोलोगे, स्कैरी ड्रीम उसका वर्ड है भाई। ग्रामर ने हर चीज का वर्ड बनाया, आपके पास नहीं है तो ये थोड़ी आप उसको कुछ भी कर दोगे। तो दिन का सपना ख्वाब अलग हो जाएगा, डरावना सपना अलग हो जाएगा, दिन का सपना अलग हो जाएगा, शेख चिल्ली के घर बनाना अलग हो जाएगा। सबकी अलग अलग प्रेजेंटेशन है, सब है हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे एकदम से नहीं। तो क्या किया आपने, सोसाइटी एंड लॉ इग्नोर और अवॉइड इज प्लाइट, उसकी दुर्दशा का चित्रण करती है। बहुत अच्छी बात है, दुर्दशा दयनीय स्थिति, वर्ड को गोला कर देना। एक प्लाइट आ गया, एक आपका बलप आ गया, एक आपका पैटी आ गया। ये तीन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, इनकी मैथमेटिकल वोकैब बतानी है मेरे को, इनको अंडरलाइन कर लो। इनका भी मैथमेटिकल वोकैब यानी सिमिलर यानी समानार्थी, मात्र एक से एक मिनट में आगे। गरीबी के नाम पर उसका बचपन छीन लिया जाता है, बहुत प्यारी लाइन। गरीबी के नाम पर उसका बचपन छीन लिया जाता है। एक्टिव या पैसिव, पैसिव कौन छीनता है पता नहीं। गरीबी के नाम पर उसका बचपन छीन लिया जाता है। सेंटेंस को पकड़ो पहले, उसकी गहराई को, गरिमा को पकड़ो, ऐसे डायरेक्ट अटैक मत करो। हिज चाइल्डहुड, बहुत प्यार से हिज चाइल्डहुड। जो कल स्टूडेंट आए वो बताइए कल की कहानी पर क्या आएगा। आगे श्वेता बताइए अब क्या आएगा, आप कल ही आए लेकिन कोशिश करिए कि क्या आएगा। किसकी पैसिव है ये, हिज चाइल्डहुड किसकी पैसिव है, छीन लिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव। चाइल्डहुड के साथ इज आएगा, इज हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन को छीन लिया जाता है। सीज या स्नैच कुछ भी, ऐसे तो वर्ड बहुत सारे हैं लेकिन मैं नहीं ले रहा उनको। सीज्ड, बहुत अच्छी लाइन, उसके बचपन को छीन लिया जाता है किसके नाम पर, वो पैसे वाला नहीं है भाई, उसकी अथाह गरीबी के नाम पर। अथाह और जोड़ देना, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ, अथाह गरीबी के नाम पर। अब्जीमल पॉवर्टी, अब्जीमल इसका एग्जेक्टिव, अब्जीमल पॉवर्टी, अब्जीमल प्रदर्शन का ध्यान रखना, अब्जीमल, और ये वर्ड आता ही पॉवर्टी के साथ है। पैसिव में गया है सेंटेंस, क्यों, छीनने वाले का पता नहीं है इसलिए पैसिव, मतलब जहां कर्ता का पता नहीं है वो पैसिव में जाएगा। फ्रेजेस की जगह फ्रेजेस, इन्फिनिटिव की जगह इन्फिनिटिव, वर्ड की जगह वर्ड, प्रपोजिशन की जगह प्रपोजिशन, और कंटेंट को देगी छोटा सा पैराग्राफ किसी को हिलाने के लिए, आई थिंक मोर देन सफिशियंट। आइए दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। ए चाइल्ड लेबर वर्क्स इन ए डेंजरस और प्रिकारियस इंडस्ट्रीज, खतरनाक एग्जेक्टिव है, इंडस्ट्री को क्वालिफाई कर रहा है। कब से कब तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक। फ्रॉम के बाद हमेशा टू आएगा, सूरज की पहली किरण जब धरती पे आती है तो डॉन कहलाती है, आखिरी किरण जब धरती पे आती है डस्क कहलाती है, अंडरलाइन कर लो। और इसी के साथ एक वर्ड आपने नहीं पूछा सर, ब्रह्म मुहूर्त को क्या कहते हैं। 4 से 6 तक का जो वक्त होता है जिसको हम अपनी भाषा में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी डॉन से पहले का जो समय होता है क्या कहलाता है। डस्क तो सांझ हो गई ना, इन वी आर्स, जो आपका 4 से 6 तक का वक्त होता है वो कहलाता है इन वी आर्स। अब आप वी आर्स में क्या करते हैं आप खुद ही बता दो। आप सोते हैं तो आई स्लीप इन वी आर्स, आप वॉक पे जाते हैं तो आई वॉक इन वी आर्स, आप पढ़ते हैं तो आई स्टडी इन वी आर्स। याद रहेगा ना 4 से 6, फिर आएगी आपकी डॉन, फिर मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर आएगी डस्क, फिर आएगी नाइट। ये समझ लेना, और डस्क को भी एक और मैं इसका प्यारा सा यूज बता दूंगा। डस्क, ही डस नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। डस नॉट ही आया, डस नॉट आया, डस नॉट आते वी वन आ गया, वी फाइव का खेल खत्म। वहां जाता है तो गोज हो जाता, जाता है तो गोज हो जाता, नहीं जाता डस नॉट हो जाता। काहे के लिए, टू गेट और गार्नर एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि उसके 2 स्क्वायर मिलीटर का जुगाड़ करना है, शाम को 200 रुपए लेके जाने हैं, तब उसका चूल्हा जलेगा। वो इतना भाग्य लिखा का डीला है कि वो स्कूल जाए, महंगी स्कूल में जाए। ही वियर्स, वो पहनता है वर्क की 5वीं फॉर्म, क्या पहनता है, टाउन क्लोथ्स। एक दिन गंदे कपड़े पहनाएंगे, एक दिन कुछ और पहनाएंगे, एक दिन महंगे कपड़े पहनाएंगे। और 5वीं फॉर्म, तड़पता है, वर्ब की 5वीं फॉर्म, वर्ब की 5वीं फॉर्म ध्यान रखना। एंड से यदि दो वर्ब जुड़ी हुई है तो एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, ऐसा नहीं उधर वियर कर दिया, इधर पाइंस कर दिया, इधर पाइंस कर दिया, उधर वियर्स कर दिया। लिखने से इंप्रूवमेंट आएगा, बातों से कुछ नहीं होता है, बातें कर लो कितने भी, शेख चिल्ली के अगर कितने ही बना लो। डोंट बिल्ड द कैसल इन द एयर,
काहे के लिए? 2 स्क्वायर मील लेने के लिए। 2 वक्त की रोटी, 2 जूड़ की रोटी। अभी जाते हुए किसी मजदूर से पूछना, भाई मजदूरी क्यों करता है? 2 स्क्वायर मील लेने। अभी भर गर्मी पड़ी, मजदूर ने मजदूरी की, किसी ने पूछा टेम्परेचर 48 है, बोले एसी लगाओ तब मजदूरी करूंगा। कोई मजदूर बोलेगा, अरे नहीं भाई 2 स्क्वायर मील ए डे, 2 वक्त की रोटी चाहिए मेरे को, तू क्या 48 क्या 96 कर दे टेम्परेचर, मैं तो काम करूंगा, मेरे को ना एसी चाहिए ना कूलर चाहिए, मजदूरी देगा ना। और लगा हुआ है बच्चे, उसका बच्चा उस वहां पर नीचे है, क्योंकि नेचर ने उसको स्टेमिना दिया है बेचारे को, वो गर्मी नहीं बोलता है। 2 स्क्वायर मील ए डे, 2 जूड़ की रोटी, 2 वक्त की रोटी। फिर उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, इस फादर ड्रिंक लाइक ए फिश, फिश हमारे बहुत काम आएगी। मछली जल की रानी है, नर्सरी में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे ऑफिसर रैंक के लिए, कि फिश हमारी कितनी काम आएगी। ही डज नॉट डू एनी वर्क, वो कोई, ही डजंट डू एनी वर्क, या डू लगा दो या वर्क लगा दो, ही डजंट एनी वर्क कर दिया ना, ठीक है, ही डजंट एनी वर्क, वो कोई काम नहीं करता है। हिज ओनर बीट्स हिम ब्लैक एंड ब्लू, उसका मालिक उसकी बुरी तरह पिटाई करता है, इतना मारता है कि ब्लैक से आपका नीले हो जाती है, नील हो जाती है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक शिप क्या था? ब्लैक शिप, ब्लैक हॉर्स क्या था पहले तो वो आओ, ब्लैक हॉर्स क्या था? किसको अपन ने ब्लैक हॉर्स कहा था पहली पहली क्लास में? पहली क्लास में ब्लैक हॉर्स किसको कहा था, और ये ब्लैक शिप से इसका क्या संबंध है? बात आ गई है तो डिस्कस कर ही लेते हैं, सबको अच्छा लगेगा। आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है, पहला काम अंग्रेजी तो सिखाना बाद का काम है। ब्लैक शिप और ब्लैक हॉर्स, अरे इसमें कौन सा मुश्किल है? काला घोड़ा और काली भेड़, हाँ काला घोड़ा और काली भेड़, ये तो इसका मतलब है ना। यस एनी आंसर, ट्राई टू एनी आंसर। ब्लैक हॉर्स कौन है, ब्लैक शिप कौन है, इसको कहते हैं ब्लैक हॉर्स, इसमें होता है मस्कुलिन। नो, दैट इज वेरी गुड फ्रेज। अभी एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा आपको, सब उछल पड़ोगे। ब्लैक हॉर्स इसको कहते हैं, या कल भी उसी व्यक्ति से जोड़ा था, आज मैं भी आज थोड़ा डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ। ब्लैक हॉर्स ब्लैक शिप, कोई बोलेगा क्या मुश्किल है, उछल के बोलेगा काला घोड़ा और काली भेड़। वो पर्सन जिसके नाम पर एक फिल्म बनी है, 10वीं पास, क्या 12वीं फेल, मानो क्यों बनी हुई उसके नाम पर? वाई क्यों बनी? क्योंकि 12वीं फेल होने के बावजूद भी वो आदमी आईपीएस बन गया। 12वीं फेल से कौन उम्मीद करेगा कि वो 12वीं वो आईपीएस बन जाएगा? दैट पर्सन इज नोन एज ब्लैक हॉर्स, छिपा हुआ रुस्तम। जो आदमी 12वीं में फेल हो गया वो आईपीएस बनेगा? नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है, लेकिन संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ग्रेस वाले लोग ब्लैक हॉर्स बन गए, दो दो बार फेल होने वाले लोग ब्लैक हॉर्स बन गए। सोनू शर्मा अपनी जिंदगी में टोटल 3 बार फेल हो चुका है, जो मोटिवेटर है 3 बार लाइफ में फेल हो चुका है, लेकिन आज तो ब्लैक हॉर्स है, कहाँ से कहाँ है उस बंदे का, दैट इज द ब्लैक हॉर्स। लेकिन ब्लैक हॉर्स क्या करेगा? ये ब्लैक शिप को अरेस्ट करता है। ये किसको अरेस्ट करता है? राउंड अप करता है, अरेस्ट करता है। ब्लैक शिप कौन? आपका ये कौन है जो सलमान खान को धमकी देता है? वलोरेंस बिश्नोई, बानुड़ा, गोल्डी बरार, ऑल आर द ब्लैक शिप्स। ये होती है कहानी। उछल लीजिए नॉलेज, जैसे आग लगनी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो। अब आप ये नॉलेज आई, कितना प्यारा लगता है कि मनोज शर्मा इज ए ब्लैक हॉर्स। कोई सोचेगा यार मनोज शर्मा को काला घोड़ा काहे को कह रहा है ये, मनोज शर्मा काला घोड़ा कैसे हुआ? अरे भैया अनसीन विनर है, जो आदमी 10th में फेल हो गया या 12th में फेल हो गया या ग्रेस में लग गई, वो आदमी क्या ऑफिसर बन सकता है क्या? यस वही आदमी ऑफिसर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर आग है। जिसके परसेंटेज बढ़ गई वो तो जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, परसेंटेज से कोई यार इससे। यस मैं कह रहा हूँ ना, आपको लग जाओ अपनी धुन पर। मैं कहता हूँ ब्लैक हॉर्स ही जो बनता है ना, इंसान ही वो कहलाता है। कल मैंने कहा था कि अत्यंत गरीबी के बावजूद काफी लोग आईएएस बन गए, उसको क्या फ्रेज दी थी अपन ने, उसको भी जोड़ो। कल गरीब डायमंड इन द रैक्स, कल आईएएस को कहा था, आज मैंने आईपीएस को बुला लिया। यहाँ यह डायमंड इन द रैक्स, बहुत गरीब है, खाने खाने का आटा नहीं है, कोई बात नहीं, पानी पी के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ब्लैक हॉर्स समझ में आ गया, मनोज शर्मा को दिया ब्लैक हॉर्स, मनोज शर्मा जो आईपीएस है, और ब्लैक शिप बिश्नोई को दिया, गोल्डी बरार को दिया, अच्छी पावर उसका। अभी मान लो केन्या वर्ल्ड कप ले जाए तो क्या बोलोगे आप? केन्या जो टीम है या बहुत कमजोर टीम है वो वर्ल्ड कप ले जाती तो वो क्या है? ब्लैक हॉर्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से कोई वर्ल्ड कप ले जाए कोई खास बात नहीं, लेके ही जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी साउंड टीम है, रोबस्ट है, और इंडिया भी रोबस्ट है।
इट भी है नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, यहाँ से भी फ्रेज उतारू, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कांटे की टक्कर। यदि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, अभी T20 भी था ही ना, हम क्या कहोगे यार कौन, दोनों ही खतरनाक आ गया है, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, एकदम कांटे की टक्कर है। सट्टा भी लगाएंगे तो नहीं लगा सकते, पता नहीं इधर जाएगा कि इधर जाएगा, सट्टा भी कहाँ लगाएं, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, कांटे की टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है, बिल्कुल पैरेलल है। तो आइए कहानी को आगे घुमाते हैं। टॉन क्लोज फटे कपड़े, पाइंस फोर टू स्क्वायर मिले, दो वक्त की रोटी के लिए तड़पना, ड्रिंक लाइक ए फिश, इंपॉर्टेंट कर लो इसकी कहानी, अभी आगे ले जाता हूं मैं। वल्लभ बुरी तरह मारना और पैटी इश्यूज, तुच्छ बातों पर, छोटी सी बात है यार, कांच का गिलास तोड़ा है, बट बीट ब्लैक एंड ब्लू, क्यों, मेरा गुलाम है, ही इज माई स्लेव, ही इज माई सर्विट्यूड, ही इज माई थ्रॉल, तो आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह मारूंगा, ऐसी खालू दे दूंगा कि ये 3 दिन तक उठे नहीं। टू गो टू स्कूल, इन्फिनिटिव से वाक्य शुरू हो रहा है, जाना, जहां जा, इसको आईएनजी भी कर सकते हो, गोइंग टू स्कूल, वो जिरंड कहलाता है, ये इन्फिनिटिव कहलाता है, लेकिन टेंस नहीं है, टेंस तो है नहीं। स्कूल जाना, उसके लिए एक सपना है, मेरे हाथ में किताब हो, मेरे टिफिन में 2 पराठे हो, उसमें सब्जी हो, मैं भी बोतल खोल के पानी पीऊं, सपना, उस पर जाओ आप, उस पर विचार करो आप, एक इंसान के नाते। और टू गो टू स्कूल इज ए डे ड्रीम और एवरी फॉर हिम। और एक चीज और बता दूं, बात थोड़ी सी अलग अटकी है, विकास सर है, उनका एक स्टूडेंट मनोज शर्मा का सहपाठी है, नाम तो मुझे नहीं मालूम, वो आईपीएस बना, उसकी फितरत नहीं थी आईपीएस बनने की, मतलब वैसा था ही नहीं, आईपीएस बनने के लिए तो थोड़ा चाहिए वैसा आदमी, वो सीधा साधा भोला वाला सा इंसान। तो उसने बोला, विकास सर ने बोला कि कैसा लग रहा है आपको आईपीएस बन के, बोले सर मुझे ये तो पता नहीं मैं आईपीएस बनूं, मुझे कैसा लग रहा है या कैसा नहीं लग रहा, लेकिन मैं एक प्रेमचंद की गोदान का एक पात्र था, दिमाग से निकल गया, बड़ा प्यारा सा नाम था, यानी मैं एक इनोसेंट को हर सप्ताह बचा लेता हूँ, बस ये मेरा सेटिस्फेक्शन है। तो पावर की जॉब का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, ये पावर की जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हाथ में पावर है, उससे बड़ा सा अच्छा सा नाम था कि होरी, मैं एक होरी को बचा लेता हूँ, बड़ा प्यारा नाम का उन्होंने कहा, होरी का मतलब वो विक्टिम होता है वहां पर, बहुत गरीब होता है, तो बोले सर मेरे को एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं हर वीक एक होरी को बचा लेता हूँ, यही मेरे इस जॉब की कमाई है, यही मेरा सेटिस्फेक्शन है, और तो ठीक है बाकी कहानी अपनी जगह, लेकिन हर वीक आई कैन प्रोटेक्ट ए होरी। तो ये पावर की जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी डीडी की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं, जो किसी आईआईटी पास करने के बाद नहीं होता है, कोई भी डीडी उसकी हेल्प करना जिंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि भगवान ने हमको उस रूप में पैदा किया कि यू शुड हेल्प ए डीडी। तो टू गो टू स्कूल इज ए डे ड्रीम और एवरी फॉर यू, एक दीवा का सपने, दिन का सपने, और सोसाइटी एंड लॉ, इग्नोर और अवॉइड, वहां पर 2 चीज आ गई, ग्रामर को पकड़ो, अभी वोकैब घुमाना तुम्हें ऑक्सफोर्ड घुमा दूंगा, पूरी पूरी ऑक्सफोर्ड मेरे हाथ में है, वोकैब ग्रामर से बस दादागिरी नहीं, सोसाइटी एंड लॉ, 2 लोग आ गए, प्लूरल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, V1 में कन्वर्ट हो गए, सोसाइटी एंड लॉ, इग्नोर और अवॉइड, नजरअंदाज करती है, क्या इसकी फ्लाइट का, इसकी दुर्दशा का, कर रहा है तो कर रहा है, हाईकोर्ट में भी 12 साल का बच्चा चाय पकड़ाता है, दिया तले हदेरा, जो हाईकोर्ट जो सबसे बड़ा लोकागढ़ है जहां से कानून और डिसीजन आते हैं, वहां भी 12 साल का बच्चा बहुत प्यार से जो है उन समाज के क्या लोके ठेकेदारों को, लोके रक्षकों को आपका चाय का गिलास देता है, दिया तले हदेरा, इससे बड़ा क्या होगा, याद रखना भी लिखाऊंगा मैं, इस चाइल्ड हु सेज इन द नेम ऑफ अब्जिमल पॉवर्टी, बताइए कैसा लग रहा है, कौन रीड करना चाहेगा अपनी इच्छा से, कौन रीड करना चाहेगा, अरे बेफिक्र, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू और नथिंग, अरे गलत बोलो, बुल्ड बोलो, कुल्ड बोलो, शुल्ड बोलो, टॉल्क बोलो, लेकिन बोलो, डरो मत, दिस इज चैलेंज, एक्सेप्ट, आज ही एक्सेप्ट कर लो, इंटरव्यू तो पता नहीं कब होगा, जब होगा, जब इंसान पहली बार, कई बार सबको डर लगता है, डर सब में है, इंसान मंच में जाएगा पैर सबके दूसते हैं, ऐसा इंसान ही पैदा नहीं हुआ पैर ना दूजे, घबराहट होती है लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। अजय माहेश्वरी भी आया पहली बार मंच में, बोले मेरे पैर दूज रहे थे, सबके दूसते हैं, इंसानी फितरत है, इंसानी प्रॉब्लम है, लेकिन डरो मत, कौन पढ़ना चाहेगा, अपनी इच्छा से पढ़ो, गलती तो पढ़ोगे, क्या दिक्कत है, गलत पढ़ो, कौन मजाक उड़ा रहा है, आई एम योर फ्रेंड्स, नॉट ए टीचर, नॉट ए मेंटोर, अरे मैं तो IEEE एप्पल भी दिया था, सीखेंगे, ABCD आती है बस, हमको इसके अलावा कुछ नहीं आता, बस ये ध्यान रखना, ABCD आती है, IEEE लिखना नहीं आता है, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं आता है, सीखेंगे सीखेंगे, बस ये दिमाग में रखना है, सीखेंगे, यस अमन बोलो, रेवरी रेवरी फॉर हिम,
एक बार मैं रीड करता हूँ, ग्रामर को कंसंट्रेट करिए। चाइल्ड लेबर वर्क्स इन ए डेंजरस और प्रिकारियस इंडस्ट्री, प्रिकारियस बॉर्डरलाइन का लेना, सात भाई बहन एक साथ आ रहे हैं। फ्रॉम डाउन टू डस्ट, फ्रॉम डाउन टू डस्ट को पकड़ लो एक बार। कई बार हमारे समाज में कहते हैं कि साहब ऐसा है वैसा है, डस्ट। भगवान श्री कृष्ण का जो कलर था वो ब्लैक नहीं था, उसको आप बोलेंगे डस्की कलर, डस्की सॉरी कॉम्प्लेक्शन नॉट कलर, उसको डस्की बोलेंगे या उसको स्वार्थी बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो जब कहते हैं श्याम वर्ण थे, तो दिस इज नोन एज डस्की कॉम्प्लेक्शन नॉट ब्लैक कलर। ब्लैक कलर इज ए रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ द इंग्लिश। जैसे काजोल, काजोल हेड हेड, अब तो ठीक है, काजोल इस बाजीगर की बात कर रहा हूँ, काजोल है डस्की और स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन इन बाजीगर, लेकिन उसका चेहरा बहुत तराशा हुआ था। कहते हैं नए नक्श अच्छे हैं, नए नक्श को उठा लो यहीं से कनेक्ट कर दो, बात थोड़ी सी हटके है लेकिन है अंग्रेजी से कनेक्टेड। वो तराशे हुए नए नक्श को क्या बोलेंगे, बोले नए नक्श बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं, कारीगर की जो छेड़ी होती है उसको बुलाओ, उसको चीजल कहते हैं, CHIZLE ED लगा दो, तराशा हुआ चेहरा, चीजल फेस, कहानी खत्म। चीजल फेस यानी बिल्कुल बहुत प्यारा चेहरा, यानी फेस कटिंग जिसको आप लोकल भाषा में बोलते हैं, अब तक आज से बोलेंगे चीजल फेस, और इसको सीधा दे दो काजोल को, काजोल हेड डस्की कॉम्प्लेक्शन बट चीजल फेस इन बाजीगर फिल्म। क्या करो, बाजीगर फिल्म देख रही हो और क्या करना है, बाजीगर और काजोल को ले आए हैं। तो उसने एक बार एक शो में बात कही कि मेरे और उस काल की वो थी हीरोइंस, उनमें कैट्स फाइट हुआ करती थी अजय देवगन के लिए, तब्बू से हो गई और आपकी वो हो गई क्या है करीना, उसके जो समकालीन थी कंटेम्पोरेरी अभिनेत्री थी, उसे कैट फाइट हुआ करती थी। कैट फाइट का मतलब होता है औरतों की लड़ाई, सास और बहू जो माथे फोड़ती है ना, वो कैट फाइट है, बस इतना से याद रखना है। सास और बहू आपके अड़ोस पड़ोस में माथे फोड़े ना, कैट फाइट है, कुछ भी नहीं है। सिनेरियो से, जिंदगी से आपको अंग्रेजी उठानी है ना कि किताब से। माइंड एट जो हमारे चारों तरफ घटित होता है ना, दैट इज इंग्लिश। किताब से अंग्रेजी उठाओगे, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना जाना, दैट इज द फॉर्मेटिव इंग्लिश। कुछ मैं कहाँ जा रहा था और चला गया, मुझे खुद को नहीं पता है माइंड कहाँ भेज रहा है। मैं आपको ये पढ़ा था, मुझे क्या लोन काजोल याद आएगी, काजोल के बाद चीजल याद आएगा, चीजल के बाद कैट्स फाइट याद आएगी, मुझे क्या पता। ये माइंड फेंक रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये माइंड से आ रहा है जो भी आ रहा है, मुझे नहीं पता। अब अगली बात कहानी कहाँ जाएगी, आई डोंट नो। ही डज नॉट गो टू स्कूल टू गेट और गार्नर एजुकेशन, ही वियर्स पहनता है फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लोथ्स, टॉर्न क्लोथ्स। रैक्स से अपन ने फायदा लिया था, डायमंड इन द रैक्स, गुदड़ी का लाल। अत्यंत गरीबी के बावजूद कोई इंसान IAS बन जाए तो डायमंड इन द रैक्स, और 10वीं में फेल होकर वो IAS और IPS बन जाए तो ब्लैक हॉर्स। याद रहेगा ना, यदि वो गरीब है और फेल वेल नहीं हुआ, पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन खाने के, मेरे खुद से जुड़े हुए काफी लोग हैं जो आज बहुत ऊंची पोजिशन पर है, लेकिन शाम का आटा नहीं था, लेकिन क्लास नहीं छोड़ती, आज वो अच्छी पोजिशन पर हैं, बहुत बढ़िया पोजिशन पर हैं, तो वो लोग डायमंड इन द रैक्स। और ठीक है 10वीं में फेल हो गए, पढ़ने में ध्यान नहीं था, लेकिन फिर पढ़ाई में एक दिन से ध्यान आया, नहीं कुछ करना है लाइफ में, वो ब्लैक हॉर्स किसकी, वो उसके लिए, वो धीरूभाई अंबानी के लिए, हर्ष फर्श से अर्श पर, वो धीरूभाई अंबानी के लिए। सबको दे दो, अपन सबको देके चलेंगे। अमिताभ बच्चन को भी काफी काम मिलूंगा मैं, अमिताभ बच्चन बहुत काम आएगा, बहुत कुछ देकर जाएगा हमें। अभी अमिताभ बच्चन से ही एक दिन उससे ले लेंगे 5-7 मौके अभी, या फ्रेजेज जो भी लेनी है, अपन प्रैक्टिकल से इंग्लिश उठाएंगे, रटने वाला काम अपने सिस्टम में नहीं है। किताब को जितने भी फाड़ के फेंक दो, पढ़ो तो न्यूज़पेपर पढ़ो या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, जितनी भी किताबें अंग्रेजी की हो आज ही उनको इसे नरेट कर दो, स्वाहा कर दो, यदि लाइफ में कुछ करना है तो। हिज फादर ड्रिंक लाइक ए फिश, बहुत पीते हैं, दिन भर पीते हैं ड्रिंक लाइक ए फिश। ही डज नॉट डू एनी वर्क, हिज ऑनर बीट सेम ब्लैक एंड ब्लू, कहानी चल रही है, बहुत बुरी तरह मारते हैं, बॉल सेम और ही वालप सेम और पैटी शूज। टू गो टू स्कूल इज ए डे ड्रीम और एवरी फॉर हिम, टू गो टू स्कूल इज ए डे ड्रीम और एवरी फॉर हिम, सोसाइटी एंड लॉ इग्नोर और अवॉइड इज ब्लाइंड, उसकी दुर्दशा का चित्रण करती है। हिज चाइल्ड हुड सीज इन द नेम ऑफ अब्जिमल पॉवर्टी, अब्जिमल पॉवर्टी, अब्जिमल पॉवर्टी। बताइए कैसा लगा, आप जो अपनी कहानी लिखी उसका आज शनिवार है, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं, 1 सेकेंड में वॉकैब, मतलब आपको यदि मैं आपको थीम बेस्ड वॉकैब सिखाऊं तो 1 सेकेंड में 70 वॉकैब घुमा सकते हैं आप, 70 वॉकैब पर मिनट, इतनी तेज स्पीड है, पूरी ऑक्सफोर्ड की वॉक है। मैं आपको रोटेशन करवा दूंगा और वो भी मजे ही मजे में, पता ही नहीं चलेगा कि कब ऑक्सफोर्ड हमारी गुलाम बन गई। लोगों को तो 4 दिन लगते हैं, अरे इसका अपोजिट क्या होगा, सिमिलर क्या होगा, आपसे पूछो क्या होगा। चलिए, देवांश पहला वर्ड क्या था जो मैंने अंडरलाइन करवाया था, प्रिकारियस। आओ, पहला वर्ड था आपका प्रिकारियस,
याद बहुत शानदार तरीके से होगा, पी की पावर 3। ये वर्ब है अपने आप को खतरे में डालना। कैसे डालना भी समझा देता हूं मैं आपको। पहले बड़े प्यार से लिख लो, फिर याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जेपरडाइज, प्रोनंसिएशन जरूर देखना, जेपरडाइज। प्रोनंसिएशन इंग्लिश का पार्ट है। एंडेंजर, एंडेंजर, एंडेंजर प्लस हैजर्ड प्लस इम्पेरिल, ये चारों की चारों वर्ब है, यानी अपने आप को खतरे में फांस देना। कैसे फांस देना अभी क्लियर करते हैं। ये एडजेक्टिव है, पहला है, इसी में आगे चल रहा है, प्लस प्रिकारियस, प्रिकारियस। दूसरा है पेरिलस, पेरिलस। तीसरा है पारलस। नॉलेज थोड़ा लो, ज्यादा लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लो। और इन्हीं से मिलता जुलता वर्ड, लेकिन यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, वो है डेंजरस। डेंजरस भी कह सकते हो आप, और रिस्की भी कह सकते हो आप। इन चारों का जो मतलब है, ये थोड़ा सा चेंज है बस। इन चारों का मतलब है खतरे में डाल देना अपने आप को, खतरे में डालना। और इन चारों का मतलब होता है, तीनों का मतलब या उसका भी, खतरनाक। ये एडजेक्टिव है, खतरे में डालना नहीं होगा, खतरनाक। अपने आप को खतरे में डालना, शुरू के चार वर्ड, जेपरडाइज, एंडेंजर, हैजर्ड, इम्पेरिल, प्रिकारियस, पेरिलस और पारलस। अपने आप को खतरे में डालना। फॉर एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल, कई लोग सेल्फी लेते हैं बहुत अजीब अजीब सी तरीके से, फिर पड़ जाते हैं, हाथ पांव टूट जाते हैं सारे, ऐसे बहुत ऊपर से सेल्फी लेते हैं, बहुत जोरदार है भाई, खतरे में क्यों डाल रहा है। ट्रेन पे से लेके चलती ट्रेन पे से अपने आप को क्या करते हैं, जेपरडाइज, एंडेंजर, हैजर्ड और इम्पेरिल। या लोग छत और बसों की ट्रेन पर यात्रा करते हैं, क्या करते हैं, जेपरडाइज, एंडेंजर, हैजर्ड और इम्पेरिल। या फिल्म को याद कर लो, फिल्म का हीरो, कोई आग लग रही है और हीरोइन उसके अंदर है, वो क्या करता है, जेपरडाइज, एंडेंजर, हैजर्ड और इम्पेरिल। अपने आइए, ए वाल, ए डूब रहा है किसी तालाब में, बी इसको बचाने के लिए जंप करेगा, ये क्या करेगा, जेपरडाइज, एंडेंजर, हैजर्ड और इम्पेरिल। अपने आप को खतरे में डाल देना। तो ये तीन का वर्ड, ये है खतरनाक। एक बच्चा बेंगल फैक्ट्री में काम कर रहा है, प्रिकारियस इंडस्ट्री। वो आपका पटाखे की शॉप में काम कर रहा है, पेरिलस है। लोग दवाइयां ले रहे हैं, वो प्रिकारियस है, पेरिलस है, पारलस है, खतरनाक है, जोखिम भरा है। क्लियर? याद रखने का तरीका, ये एग्जेक्टिव है वो वर्ब है, ये एग्जेक्टिव है वो वर्ब है। ट्रेन में लटक के जा रहे हो, या अपन को रेलवे ट्रैक पास करना है, अपन ब्रिज से नहीं जा रहे, ये सीधा रेलवे ट्रैक से पार कर रहे हैं, और इधर वो आ जाता है, कैसा है, खतरे में डालना। अभी नहीं सुना था, 15-20 दिन पहले राजस्थान पत्रिका में आया था, पति पत्नी और उसकी बहन जा रहे थे रेलवे ट्रैक के पास पास, उधर हो रहे थे भजन, यानी उस साइड में, तो भजन भी जा रहे थे वो, तो भजनों की आवाज उन्हें सुनाई दी पड़ी और तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए। वो क्या कर रहे थे, वो ऊपर से जाते तो नहीं होते ना, तो दैट इज जेपरडाइज, एंडेंजर, हैजर्ड और इम्पेरिल। ये है एग्जेक्टिव, खतरनाक उद्योग हो सकता है, खतरनाक चाल हो सकती है, खतरनाक गेम हो सकता है। जैसे वो गेम नहीं आया था, वो बच्चे खेलते थे, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल गेम कैसा था, प्रिकारियस, पेरिलस और पारलस। टू यूज मोबाइल फॉर ए चाइल्ड कैसा है, प्रिकारियस, पेरिलस और पारलस। याद रखने का तरीका, जे ही का, जे ही किसका नाम डाल दो अंग्रेज का, खतरनाक पहला पहला प्यार, याद रहेगा। आप भूलो तो भी याद रहेगा, आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, आप कहो ना मैं भूलू तो भी आलू तरीका याद रहे। मर गया बेचारा, सुसाइड हो गया या उसका मर्डर हो गया, कुल मिला के जिंदगी उसने खतरे में डाल दी, क्योंकि वो स्ट्री ब्लैक शिप की बहन थी वो, अब ब्लैक शिप की बहन से प्यार करेगा, यही पैदा होगा। कहानी देखो कहाँ से कहाँ टच ले रही है, मजा आ रहा है, जैसे कोई कोई अपन गेम खेल रहे हो, अंग्रेजी कहानी इधर की तरह अंग्रेजी। तो जे अपने आप को कुल मिलाकर खतरे में डाल देना, जेपरडाइज, एंडेंजर, हैजर्ड। आजकल यूथ डालते हैं, देखा करो रोड पर टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाते हैं, अरे भाई क्या मिलेगा, कौन सी तेरे को जो ऐश्वर्या मिलने वाली है, ढंग से चला ले, आराम से चला ले। या दूसरा वो बिल्कुल ऐसे यू यू लग के, और फिर वो चलाते हैं बिल्कुल, अरे भाई रुक जा, कौन सा प्राइम मिनिस्टर है भाई, रुक के बात करके आराम से बात करना, कुछ नहीं होना जाना, कहीं बिड़बिड़ा गया तो भगवान ने जो चेहरा बोरा दिया है ये खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होना है।
लेकिन नहीं, उधर वो चल रहा है, इधर हॉटलाइन पे बातचीत हो रही है, बड़ा अजीब, और ये टेढ़ी होगी जो अलग। तो भैया तो जेपर्डाइज एंडेंजर हैजर्ड इम्पेरिल, ये आपका जो है जीही का खतरनाक खतरनाक जोखिम भरा प्यार। दूसरा वर्ड बताओ कौन सा है? गार्नर? नहीं, गार्नर नहीं, उसके अलावा दो। टॉन क्लॉथ हो गया था, प्लाइट, प्लाइट है, दुर्दशा, दयनीय स्थिति। अभी पीछे बस इधर से जाएंगे अपन, एक बार कच्ची बस्ती है, शैंटी टाउन है, उसको देखना कैसे वो धूप में रहते हैं, कैसे बारिश में रहते हैं, कल्पना से ही बाहर है। दुर्दशा, दयनीय स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति, जिसको देखकर दिल में थोड़ी दया आ जाए। पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, खाने को दो वक्त की रोटी नहीं है, दुर्दशा या दयनीय स्थिति, किसकी कर दो? माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की या महावीर प्रसाद शर्मा की दयनीय स्थिति। बहुत अच्छे वर्ड देकर जा रहा है। पहला है मिजरेबल, इसको मिजरेबल बोलेंगे आप, माइजर नहीं, माइजरेबल अलग हो जाएगा, मिजरेबल। दूसरा है प्लाइट, किसी भी कच्ची बस्ती में जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, प्लाइट। तीसरा है पिटिएबल, पीपर ही ले लेता हूं मैं, पिटिएबल। और चौथा है शैम्बल्स, किसी की भी स्थिति बहुत दयनीय हो, जिसको देखकर हमें दया का भाव आए, लीनियंसी आए, क्लीमेंसी आए, अपन को दया का भाव महसूस हो, वो दया का भाव मिजरेबल, प्लाइट, पिटिएबल और शैम्बल कहलाएगा। याद रखने का तरीका, महावीर प्रसाद शर्मा की दयनीय स्थिति MPS, मिजरेबल, प्लाइट, पिटिएबल, शैम्बल। देख लो, 7 वर्ड वो, 4 वर्ड ये, 11 वर्ड को कितने सेकंड, सेकंड बोल रहा हूँ, मिनट नहीं, कितने सेकंड में घुमा सकते हो? मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 11 वर्ड घूमेंगे एक साथ। वो पर्यायवाची है शुरू के 4, 3 पर्यायवाची है लास्ट के 3, ये चारों आपस में सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सगे भाई हैं। इसकी जगह इसको, इसकी जगह इसको, किसी को भी यूज कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, वो हमारा कहाँ रिक्वायरमेंट जाएगी उस पर डिपेंड है। विजिबल, प्लाइट, पिटिएबल और शैम्बल्स, ये हो गई हमारी आपकी दयनीय स्थिति। और 30 नेक्स्ट वर्ड भी कौन से में अंडरलाइन करवाया था मैंने? अथा का ले लो, आज अथा का काम खत्म करो। किसका करवा था? वो ले लो, छोटा, तुच्छ। मजा आ रहा है ना सबको? इंटरेस्ट आ रहा है ना? चेहरे की शाइनिंग बता देती है, इंटरेस्ट आ रहा है। नगण्य, तुच्छ हो गया, नगण्य हो गया, महत्वहीन हो गया, बेकार हो गया। और भी कोई दिखावट बता सकते हो क्या? तुच्छ, नगण्य, महत्वहीन, बेकार, कुछ भी कह सकते हो, जिसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आज ये एसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही चलेगा, पागल हो जाएंगे, दिसंबर भी एसी कैसा हो जाएगा? तुच्छ, नगण्य, महत्वहीन, बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज तो इम्पोर्टेंट है, आज तो 2 मिनट, आज है यही दिसंबर में, तुच्छ, नगण्य, महत्वहीन या बेकार हो जाएगा। तो हुआ क्या, अपन 1,000 रुपए का एक टीपोट लेकर आए, जिसपे फ्लोवर बने हुए थे, फ्लोवर का टीपोट लेकर आए, लिखलाते ही है, चाइना क्ले का बना हुआ फ्लोवर का टीपोट लेकर आए, डी मार्ट से या कहीं से भी, उस पर फ्लोवर बने हुए थे, फ्लोवर का टीपोट लेकर आए 1,000 रुपए का, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, 2,000 का मान लो, बाई चांस वो जमीन पे गिरा, कितने रुपए का रह गया? कचरे भी जाएगा। अब 1 रुपए का भी कोई कबाड़ी ले जाए तो, खास है कोई लोहे का, कोई तांबे का होता तो हो सकता है कोई कबाड़ी ले जाता, इसको कौन लेके जाएगा भाई, कचरे में फेंक दे। तो जो अभी आप कह रहे थे 1,000 रुपए के गीत गा रहे थे, 2,000 रुपए के गीत गा रहे थे, अब क्या हो गया? तुच्छ, नगण्य, बेहतरीन या बेकार। सुबह सुबह न्यूज पेपर आता है, वहीं से कर लो, ये तो भूल जाओगे, सुबह सुबह न्यूज पेपर आता है, कहाँ है न्यूज पेपर, कहाँ है न्यूज पेपर, करते ना, पढ़ लिया, रद्दी वाले को बेचते नहीं बेचते, फाड़ देते हैं उसको, कैसा हो गया? तुच्छ, नगण्य, महत्वहीन या बेकार। शरीर चल रहा है, बहुत अच्छा है, भाई साहब ने काम करना बंद कर दिया, जलाओ जलाओ इसको फटाफट, 2 घंटे के अंदर तो कहानी खत्म। क्या है? तुच्छ, नगण्य, महत्वहीन, बेकार। VIP हो चाहे कहीं का राजा महाराजा हो, कहानी वही जानी है, एक दिन यही आना है, ये है, तब तक सब है, ये नहीं, काम खत्म। आ जाइए, अब समझ में आ गई कहानी, अब इसका एप्लीकेशन ले लो। F पर आएगा फ्रीवलस, देखो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आता है ना, वो चीज बहुत जल्दी समझ में आती है, फ्यूटाइल,
मैं ये नहीं कहता ये चीजें आज ही याद होगी और जरूरत भी नहीं है। आज तो इसे दोस्ती करो। प्रीवलस, फ्यूटाई, फ्यूटाइल, टी पर आ जाओ, ट्राइफल, पी पर आ जाओ, ये तो आपको आईपी से भी मिलेगा। पैटी थेफ्ट कहलाती है, छोटी मोटी चोरियां। पैटी इश्यूज कहलाते हैं, छोटे मोटे मुद्दे। कोई यहां से पेन चुरा के ले गया, है तो चोरी लेकिन पैटी थेफ्ट है। कौन कैमरे में भी देख लिया था पेन चुराया, पैटी थेफ्ट है। कौन इसकी FIR करेगा और कौन करवाएगा, छोड़ो। प्रीवलस, फ्यूटाइल, ट्राइफल, पैटी, आज भी आ जाओ। वो सिर्फ फॉर्मूले के कारण, ऑर्डिनरी, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला बना रहा है। टी वाला वर्ड फिर इंपॉर्टेंट, ट्राइफल हो गया ट्रीवियल। ये देखो, यही AC दिसंबर में FT पोर्ट बन जाएगा। प्रीवलस, फ्यूटाइल, ट्राइफल, पैटी, ऑर्डिनरी। मैं आपको वॉकैब से गेम सिखा रहा हूँ कि वॉकैब कैसे बढ़ती है। पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दे दूंगा, पूरी ग्रामर दे दूंगा मैथमेटिकल रूप में। जिंदगी में कभी किताब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में पूरी लाइफ आओ ना, मैं ग्रामर के पास जाऊँ, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रीवलस, फ्यूटाइल, ट्राइफल, पैटी, ऑर्डिनरी और ट्राइफल। कोई भी चीज, हमारा मोबाइल है बहुत महंगा है, बाई चांस बस के नीचे आ गया। अब यही है, 2 लाख रुपए का लाए थे, एप्पल का था, एप्पल का था, बनाना का था, क्या करना है अब। ये है भाई, अब तो इस पर प्रायश्चित कर ले, रोले पीट ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। पहले ध्यान रखता ना, बाद में पानी में गिर गया, बेकार हो गया। प्रीवलस, फ्यूटाइल, ट्राइफल, पैटी, ऑर्डिनरी और ट्रिवियल। तुच्छ, लगन, महत्वित, बेकार, जितने हिंदी में वर्ड आए उससे ज्यादा तो अंग्रेजी ले गई। और एक आप में मैंने बताया था, अब्जिमल, अथा, अथा मतलब बहुत सारा। अंबानी के पास कितना पैसा है, यही है, अथा है, ठीक है ना, अच्छी बात है। अभी बारिश होगी, बारिश होने के बाद ट्यूबलाइट के आसपास क्या आते हैं, कितने आते हैं, कितने आते हैं, 2, 4, 5, 10, अथा। बस पिक्चराइज हो गया, सेट कर दो, वो जो आपको दिखे ना वो उड़ने वाले, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक गुड़िया है, उसके पापा ACA हैं, गुड़िया के ACA पापा के पास अथाह दौलत। ये याद रखने का तरीका, 8 वर्ड आ रहे हैं एक साथ 8 वर्ड आपको क्रैश करने जा रहे हैं। गुड़िया के ACA पापा के पास अथाह दौलत। एप्लीकेशन दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, 8 वर्ड को कॉल कर लो, रोकने वाला दुनिया की कोई ताकत नहीं है। समुद्र में पानी, गुड़िया के ACA पापा। अंबानी, गुड़िया के ACA पापा। वो मच्छर, गुड़िया के ACA पापा। एक मुर्गी वो डाल दी ढेली, चींटियां कितनी होगी, अथा। आ जाओ अब याद रह जाएगा, गैलोर, अथा। आई आई हुए बड़े एग्जाम में रोज आते हैं, डेली आते हैं, मतलब आप इसे छोड़ोगे कहीं नहीं आता। अबेंडेंट, अबेंडेंट, अबेंडेंट कहाँ लिखा होता है, आपको समझा दूं। जैसे आप वो कॉस्मेटिक आइटम लाते हैं फीमेल, अब ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग के पैकेट में देखना आप कि ये ब्लीच यदि आंखों में चली जाए, ये लिखा रहता है उस पर, ब्लीच नुकसानदेह होती है, ब्लीच आंखों में चली जाए तो उस पर कैप्शन लिखा रहता है, यू शुड रिंज योर फेस। रिंज का मतलब धोना, रिंज योर फेस विथ अबेंडेंट वाटर, यही वर्ड मिलेगा, यू शुड रिंज योर फेस विथ अबेंडेंट वाटर, वो उसके कैप्शन पर। तो आपने कहा गैलोर, अबेंडेंट, सी पर आ जाओ। कॉपियस, बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, पैसा हो सकता है, जानकारी हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, गरीबी हो सकती है, लक्ष्मी हो सकती है, कुछ भी जो आपके पास था ही नहीं है, पता ही नहीं पैसा कहाँ है। कॉपियस, ए पर आ जाइए। एम्पल, देखो 8 वर्ड रोटेशन ले रहे, एक साथ 8 वर्ड, रोकने वाले दुनिया की ताकत नहीं है आपको। गैलोर हो गया, अबेंडेंट हो गया, कॉपियस हो गया, एम्पल हो गया, प्रफ्यूज, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, प्रफ्यूज, प्रफ्यूज, ये कहाँ कहाँ पे आएगा अभी बता देता हूँ। प्रफ्यूज, अब्जिमल, वर्ड का आपने कभी ये वर्ड सुने ही नहीं होंगे लाइफ में। प्लेथर, इसको प्लेथर बोलेंगे, प्लेथरा नहीं बोलेंगे, प्लेथर, प्रोनंसिएशन में ए नहीं आएगा, प्लेथर, PLETHOR, प्लेथर बोलते हैं इसको। और ए फॉर अबाउंड, मेंढक हो गया, बहुत सारे तालाब में, और मगरमच्छ होते हैं इस तालाब में, तो अबाउंड। बहुत अच्छे से तैयार कर लो गुड़िया की ACA पापा को। देखो वर्ड पर वोकैब, देखो 7, 7 और 4, 11, 11 और 5, 11 और 6, 3 और 3, 6, 11 और 6, 17, 17 और 8,
25 वॉक है, और घड़ी में टाइम देख लेना, रोटेशन कितना जबरदस्त लेते हैं, घड़ी में टाइम देख लेना एग्जैक्ट। कुड़िया के एसीए पापा गैलोर अबेंडेंट कॉपियस एम्पल प्रफ्यूज अब्जीमल प्लेथर प्लेथर अबाउंड। जैसे बीकानेर में वो जो मंदिर है देशनोक करणी माता का, वहाँ पर चूहे प्लेथर हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हैं प्लेथर। क्योंकि पिक्चराइजेशन करते हो ना आप, जब किसी का वो चीज़ याद रह जाती है, कोई इंसान घायल हो गया, उसकी कार कलाइड विथ कर गई, कल वाली कार ही बोल रहा हूँ, हाँ रैम इन टू कर गई, अब डॉक्टर के पास ले गए एसएमएस में, डॉक्टर ने जाते ही एक ही वर्ड बोला कि सॉरी आपने नाड़ी में बहुत देर कर दी, इसके घावों से बहुत सारा खून बह चुका है, प्रफ्यूज ब्लड, प्रफ्यूज ब्लड, प्रफ्यूज ही लेता है वो, प्रफ्यूज ब्लड। वो जाते के बाद बोलेगा डॉक्टर इसके घावों से, इसके वुड से प्रफ्यूज ब्लड। लेकिन फिर एक कहानी पैदा हो गई, प्रफ्यूज ब्लड तो बोल दिया आपने, लेकिन डॉक्टर ने एक वर्ड बोल दिया बहना, इसने परेशानी पैदा कर दी। ब्लड हो या कोई भी गाढ़ा लिक्विड हो, चाशनी हो गया, तेल हो गया, कोई भी जो थिकनेस, मतलब पानी के अलावा, पानी फ्लो होता है, पानी के अलावा कोई भी जो वर्ड होगा ज्वालामुखी का लावा होगा वो ऊज होगा, ये चीज याद रख लेना। प्रफ्यूज के साथ ब्लड आएगा, ब्लड के साथ प्रफ्यूज आएगा, और ब्लड हमेशा ऊज होता है, ऊज का मतलब होता है बहना। वो डॉक्टर जाते ही बोलेगा सॉरी जेंटलमैन, प्रफ्यूज ब्लड हैज ऊज्ड फ्रॉम वाटर के साथ फ्लो, वाटर के साथ फ्लो, वाई कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, शहद हो गया, शहद कहीं बह गया, तो वर्ड ऊज ही आएगा, फ्लो नहीं आएगा। यदि भी सही अंग्रेजी करनी तो फिर सही करनी है, और गलत करनी है तो घर पे बैठना है, सीधी सी बात है। फिर बीच का बाला नहीं, 50-50 दो, 50-50, या तो 100% इधर या 100% उधर। एम्पल के साथ चांसेस आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आपकी सफलता के साथ चेज एम्पल है। अबेंडेंट वाटर के साथ आता है, कॉपियस के साथ नॉलेज आता है, अब्जीमल के साथ पॉवर्टी आता है। इनकी एप्लीकेशन जनरली यही रहती है, लेकिन आठों का मतलब है अथा, एक दिन से अपोजिट भी करेंगे बहुत कम, वो भी आठ ही वर्ड लेकर आएगा, आठ को आठ से बढ़ा दो टोटल 16 वर्ड खत्म, आठ सिमिलर आठ अपोजिट, 16 वर्ड मात्र सेकंडों में। आइए इसका रोटेशन कर लेते हैं, ज्यादा हैवी डोज नहीं। तो आपने कहा जे ही का पहला पहला प्यार, रिपीट कर दीजिए क्या लिखा हुआ था बोर्ड पर, क्या है जे ही का पहला पहला प्यार, वर्ड्स को एक्सप्लेन करो। जे फोर कॉपी किताब सब बंद, कॉपी किताब मोबाइल सब बंद, दिमाग एक्टिवेट मोड पर, जेपरडाइज। ई फोर एंडेंजर, एच फोर हैजर्ड, आई फोर चारों क्या है वर्ब है, पी की पावर तीन पर आ जाओ, प्रिकारियस पार्लस और पेरिलस, डेंजरस के सिमिलर वर्ड है, जाने दो बाय बाय कर दो, खतरे में डालना, जोखिम में डालना, अब ऐसा कोई सीन दिखे तो पहले ही फॉर्मूला तैयार कर देना। फिर आ जाओ दुर्दशा, महावीर प्रसाद शर्मा की दुर्दशा है, दयनीय स्थिति है कोरोना के बाद से, मिजरेबल प्लाइट, पिटिएबल शैम्बल्स, जाने दो, अब भी कोई दयनीय स्थिति दिखे कनेक्शन इमीडिएटली, आपको जोड़ना है, रटना नहीं है, कॉपी में नहीं देखनी है वर्ड, आपको जाकर आपको कनेक्शन डालना है, कनेक्शन कहना है। तुच्छ नगर मैथ्वीन बेकार, ये एसी हो जाएगा दिसंबर में, अभी स्वेटर और कंबल हमारे लिए बेकार है, कोई बोले कंबल ओढ़ ले, कंबल खरीदने का आएगा खरीद ले, अभी खरीदेंगे दिसंबर में, अभी कोई बोले कंबल ले ले क्यों ले ले, ब्लैक क्विल्ट ले ले क्यों ले ले, स्वेटर ले ले, जर्किन ले ले क्यों ले ले, अभी एफ टी पोर्ट है ना। फ्रीवलस प्यूटाइल, ट्राइफल पैटी ऑर्डिनरी ट्रिवियल, सुबह अखबार खाने और ज्यादा बारात में जाते हैं अपन खाना खाने, लेने से पहले सिग्निफिकेंट है ना, किधर गया गुलाब जामुन, लेने के बाद थाला भर लिया, 75% थाला थाली खाना वेस्टेज, होता ही कि नहीं होता, एफ टी पोर्ट होता ही कि नहीं होता, एफ टी बात वो है कि कनेक्शन कहाँ ले रहा है वो, एफ टी पोर्ट अपने आप ही हो जाता है, थोड़ी देर पहले वो खाना अपने लिए सिग्निफिकेंट था, सैलियंट था, प्रोमिनेंट था, सेमिनल था, यही खाना थोड़ी देर बाद क्या हो गया, एफ टी पोर्ट हो गया, यही गाना एफ टी पोर्ट हो गया, जो अभी इधर फॉर्मूले में थे, जस्ट 7 बजे जब हमने प्लेट उठाई थी वो खाना ये था, जब 7:30 बज गए और लगभग लगा कि हाँ तो वो खाना ये हो गया, और 75% वो खाना हमने वेस्ट किया जो गलत है और बहुत ज्यादा अथा। गुड़िया के एसीए पापा एक्सप्लेन कर दो, गुड़िया के एसीए पापा को गैलोर आराम से, ए फॉर अबेंडेंट
कॉपियस, ऑप्टिमल, प्रफ्यूज, अबाउंड, प्लेथर और आपका अबाउंड या ऑप्टिमल या एम्पल। एकदम से याद नहीं होगी, पर दोस्ती तो हुई ना, जानकारी तो हुई, तो मजा तो आया ना। मैंने कहा था आज ही कल ही बताओगे आप, और खड़े ऐसे को मौके थोड़ी बता रही किसी को, लेकिन पता तो चला ना ये चीज होती है। आज तक ये नहीं पता था कि जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनाई है, ये बनाई किस खुशी में है, काहे को बनाई है, ऐसा नहीं होता। बनाई है तो उसका कोई ना कोई यूज है।